जय श्री श्याम। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। सपने में बाबा श्याम क्यों दिखाई देते हैं? पहले दिखते थे, अब क्यों नहीं दिखाई देते बाबा श्याम सपने में? वैसे तो लगभग हर व्यक्ति रात को सोते समय सपने देखता है। कई बार हम सुबह उठते ही अपने सपनों को भूल जाते हैं, जबकि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें दिन भर याद रहते हैं। कई बार लोग सपने में बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और दिन भर इसी सोच में रहते हैं कि आखिर इस सपने का क्या मतलब है। हम बताएंगे आपको बाबा श्याम को सपने में देखने का क्या मतलब होता है। बाबा श्याम को अगर आप अपने सपने में देखते हो तो ये सपना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सपने में यदि आपको बाबा श्याम नज़र आए तो समझ जाइए कि आपको रास्ता दिखाने आए हैं। यह सपना भविष्य में संकेत देता है। आप किसी भी धन संबंधित मानसिक रूप से परेशान हैं, किसी भी तरह का आपके जीवन में जो भी कष्ट है वह दूर होने वाला है। बाबा श्याम का बार बार सपने में आने का और भी ये कारण हो सकते हैं। आपने जो भी अर्जी लगाई होगी जिस काम के लिए और वो काम आपका पूरा हो गया होगा और आप खाटू धाम या जो भी आपने बोला होगा वो पूरा नहीं किया है तो भी आपके सपने में बाबा श्याम दिखाई देंगे। यदि आप भी बाबा श्याम को अपने सपने में देखते हो तो आपका भी भाग्य उदय होने वाला है। यदि आप बाबा श्याम को अपने सपने में बार बार देख रहे हो तो इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि आप सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं। यदि आप हर तरफ से परेशानियों से घिरे हुए हैं और आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है तो ऐसे समय में यदि सपने में आपको बाबा श्याम के दर्शन होते हैं तो एक आशा की किरण हो सकती है। बाबा श्याम आपको संकेत दे रहे हैं कि धैर्य बनाए रखें और जल्द ही आपकी समस्याएं दूर होंगी। यदि आप सपने में बाबा श्याम को अपने घर में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके और परिवार के सदस्यों पर बाबा श्याम का आशीर्वाद बना हुआ है। यदि आपके सपने में बार बार बाबा श्याम आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह आपसे आपकी सेवा से प्रसन्न है। यदि आप बाबा श्याम को अपने सपने में देख रहे हो तो इसका यह भी मतलब हो सकता है कि आप बहुत ही नेक इंसान हो और बाबा श्याम की तन मन धन से आप पूजा करते हो। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होने वाली हैं। कुछ लोगों को बाबा श्याम सपने में पहले दिखते थे और अब नहीं दिखते हैं। इसका यह कारण है कि उन्होंने सभी लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि बाबा श्याम मेरे सपने में मुझे दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम अपने सपने को ज़्यादा लोगों के साथ बताना शुरू करते हैं तो हमें धीरे धीरे भगवान सपने में आना बंद कर देते हैं। हमें अपने सपने को ज़्यादा लोगों को नहीं बताना चाहिए। हमें अपने सपने को सिर्फ अपने परिवार के लोगों के साथ ही बताना चाहिए। कोई भी देवी देवता हमारे सपने में आते हैं, हमें कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, लेकिन हम कुछ संकेतों को समझ पाते हैं, कुछ को नहीं समझ पाते। हम इस उलझन में रहते हैं, ये सपना हमें क्यों दिखा, इसका क्या मतलब है, हम उसका मतलब नहीं जान पाते हैं। और कुछ सपनों का मतलब हम जान भी लेते हैं तो हम इन सपनों को किसी ना किसी को बताते हैं। हमें ज़्यादा लोगों को अपना सपना नहीं बताना चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना सपना बताते हैं तो हमें धीरे धीरे जो भी देवी देवताएं हमारे सपने में आते हैं वो धीरे धीरे हमारे सपने में आना बंद कर देते हैं और हमें जो वो संकेत देना चाहते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाते हैं। स्वप्न शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तन मन धन से तो वो हमारे सपने में हमें कुछ ना कुछ अच्छा संकेत देने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ताकि हमारे लिए कुछ अच्छा हो पाए। तो वैसे ही हम अपने बाबा श्याम की पूजा करते हैं, हम बाबा श्याम को सबसे ज़्यादा मानते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ संकेत देने की कोशिश करते हैं और वो हमारे सपने में बार बार आते हैं। अगर हम इस सपने को किसी को बताते हैं तो बाबा श्याम हमारे सपने में आना बंद कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।